ఇద్దరు ఉన్నా రెడ్ కార్పెట్ అవ అప్లీ రెడ్ కార్పెట్ बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज की लास्ट पीछे वाले दरवाजे पीछे वाले सर निकल रहा हूँ छोटा सा सॉरी सर ऐसे रहना चलो पीछे रहना प्लीज साफ साफ है मेरा नाम अजीत सिंह जोगल इंचार्ज संतकारी मिशन जम्मू जोन। आज ये जो आप देख रहे हो जगह जगह माटो लगे हुए मानव एकता दिवस संघकारी मिशन मना रहा है और ये इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि 1980 को बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और तब से उसके बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आए। उन्होंने कहा कि हमने खून बहाकर किसी का बदला नहीं लेना, अपना खून देकर बदला लेना है। और उनकी याद में हर साल हम 1986 से ये कैंप लगा रहे हैं और आज तक जो इंडिया भर में 12.5 लाख से भी ज़्यादा यूनिट जो है रक्तदान ये मिशन कर चुका है। तो ये जो कैंप हमारे हैं ये 2450 से शुरू होते हैं और देश भर में 600 से भी ज़्यादा कैंप हम लगाते हैं और 80-90 हज़ार यूनिट पर ईयर जो है मानवता को हम ये दान करते हैं। तो आज भी आप देख रहे हो जहाँ पर भी 500 से भी ज़्यादा अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और 300 के लगभग जो रक्तदाता कर चुके हैं उसके बाद भी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये और भी फिगर बढ़ेंगे और आप देख रहे हो कि किस प्रकार ये मिशन के अंदर ये भावना है कि नर सेवा नारायण पूजा, नर की सेवा ही नारायण की पूजा है, इंसान की सेवा भगवान की पूजा। ये बताइए इस तरह के जो कैंप होते हैं मानवता के लिए और सोशल काज के लिए कितना ज़रूरी है और लोगों से आपकी क्या, जो लोग डरते हैं खून वो डोनेश करने के, वो डरते इसलिए है कि उनको ये नहीं पता कि हम जिसको खून दे रहे हैं वो अपना है। हम इसलिए ये रक्तदान करते हैं कि ये जो जिनको ब्लड जाएगा वो हमारे अपने हैं, वो पराए नहीं हैं। और खून तो कुछ दिनों में ही ये पूरा हो जाता है और ये आदमी साल में कई बार भी रक्तदान कर सकता है। हमारे पे अंदर लेड़ी लेटी हुई हैं, हल्जी साहब ने पूछा तो कह रहे हैं जी हमने तो 15 बार दिया, कुछ 16 बार किया। और आज का जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है जो जम्मू में, ये भी एक हिस्टोरिकल बना है, ऐतिहासिक बना है, क्योंकि आज जो हमारे एलजी साहब है आदरणीय विनोद सिन्हा जी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये पहली बार इतना कोई डेलीगेटरी हमारे कैंप में आया, तो उनका भी आभार मैं व्यक्त करता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर हमारा हौसला अफजाई की।